विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। स्वागत करते हैं करतल ध्वनि की गूंज के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन त्रिवार अभिवादन। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य विशिष्ट अतिथियों का अभिवादन और हार्दिक स्वागत। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले अद्वितीय भारतीय योद्धा एवं कूटनीतिज्ञ छत्रपति शिवाजी महाराज एवं लोकप्रिय जनकवि लोकशाहिर अण्णा भाऊ साठे की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। देश के आजादी आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय सहभागी रहे अण्णा भाऊ साठे के पोवाड़े और लावणी आज भी जनमानस में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों से निवेदन, कृपया स्थान ग्रहण करें। छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर पेशवाओं की भूमि पुणे में कार्यक्रम आयोजन समिति और नागरिकों की ओर से भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और सम्मान करने हेतु मैं आग्रह करती हूँ महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को। और आइए हम सभी मुदित मन से तालियों के साथ इन सुंदर क्षणों के साक्षी बने। शॉल एवं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मंत्र देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा से सज्जित ये सम्मान चिन्ह है। हम पुनः एक बार पुण्य नगरी में माननीय मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। अब मैं महाराष्ट्र राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी से निवेदन करती हूँ, कृपया अपने विचार व्यक्त करें। देशाचे लोकप्रिय नेते आणि यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आदरणीय रमेश भाई साहेब, मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, राज्य मंत्रिमंडळातील माझे सर्व सहकारी तसंच पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, दिलीप वसे पाटील, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्वच सन्माननीय नेतेगण, सन्माननीय लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे मेट्रो, PMRDA चे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी बांधव आणि उपस्थित पुणे पिंपरी चिंचवड बंधू भगिनी, पत्रकार मित्र आणि माझ्या युवा मित्रांनो, सर्वात पहिल्यांदा मी पुणे पिंपरी चिंचवड शहरवासियांच्या वतीनं आणि राज्यातील 14 कोटी जनतेच्या वतीनं, नागरिकांच्या वतीनं मी आदरणीय पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी साहेबांचं महाराष्ट्राच्या या शैक्षणिक सांस्कृतिक औद्योगिक राजधानीत मनापासून स्वागत करतो। पुण्याच्या विकास कार्याला प्रधानमंत्री महोदयांनी आपल्याला नेहमी साथ दिलेली आहे, महाराष्ट्राला साथ दिलेली आहे। सहकार्य प्रोत्साहन ते नेहमीच देत असतात, देशाचा विकासाचं नेतृत्व ते ज्यावेळेस करतात। आपल्या सर्वांच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब आज स्वतः या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले, त्याबद्दल देखील मी मोदी साहेबांचं मनापासून आभार मानतो, त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो। मला आठवतंय पहिल्या टप्प्यामध्ये मोदी साहेबांच्या शुभहस्ते खरं तर आपल्या मेट्रोचं भूमिपूजन झालं, पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन देखील झालं, आज दुसऱ्या टप्प्याचं उद्घाटन होत आहे। एकंदरीत पुणेकरांच्या सहनशीलतेला सलाम केला पाहिजे, कारण ही सगळी कामं करत असताना अनेक अडचणी माझ्या पुणेकरांना आणि माझ्या पिंपरी चिंचवडकरांना येत असतात, परंतु ती सहनशीलता तुम्ही सगळ्यांनी दाखवली। कधी करोनाचा काळ होता, कधी आणखीन कुठला काळ होता, परंतु कामामध्ये कुठंही विलंब होता कामा नये अशा प्रकारचा प्रयत्न आमचा सगळ्यांचा असतो। आता एकनाथराव शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली देवेंद्रजी, मी आणि आम्ही सगळे सहकारी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये विकास गतीनं व्हावा, आता हे तीन इंजिनचं सरकार आहे, त्याच्यामध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्राच्या विकासाच्या करता ते तर मदत करतच असतात, त्याचा फायदा महाराष्ट्रातल्या 14 कोटी जनतेला व्हावा, माझ्या पुणेकरांना पिंपरी चिंचवडकरांना व्हावा, तुमचा सर्वांचा प्रवास सुलभ व्हावा, ही त्याच्या पाठीमागची आमची सगळ्यांची भावना आहे। ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना अनेक अडचणी आल्या। मला आठवत आहे कामगार मैदानाच्या पाशी तिथं अनेक प्रकारचे प्रश्न निर्माण झाले आणि तिथलं स्थलांतर करत असताना जवळपास 5,000 नागरिकांचं स्थलांतर करत असताना अनेक अडचणी आल्या, परंतु पुणेकरांनी राजकारण न आणता सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्याच्यामध्ये साथ दिली, अधिकारी वर्गांनी लक्ष घातलं आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारचे जे काही प्रोजेक्ट आहेत ते प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी मार्गी लावण्याच्या करता मदत होत असते। पुण्याची भूमी ही छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ बाळासाहेबांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे, कार्यकर्तृत्वानं सुपीक झालेली भूमी आहे। आजपासून 350 वर्षापूर्वी राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांनी बाल शिवबाच्या हस्ते सोन्याचा नांगर फिरून पुण्याचा पुनर्विकास करण्याचं काम केलं, तेव्हापासून अनेक ज्ञानवंत अनेक गुणवंत बुद्धिवंत प्रज्ञावंतांनी पुण्याच्या विकासामध्ये योगदान दिलं। माझा शेतकरी असेल, माझा कष्टकरी असेल, श्रमजीवी मजुरांनी त्यांच्या घामाची पुण्याच्या वैभवामध्ये भर घातली, कला क्रीडा आणि साहित्यकांनी त्याचा गौरव वाढवला, उद्योजकांनी आर्थिक सुबत्ता आणण्याचं काम केलं, आपलं आयटी क्षेत्र असेल, आपला ऑटो हब असेल, यामध्ये देखील आपल्यामध्ये कसं अधिकचं काम करता येईल याबद्दलचा प्रयत्न हा निश्चितपणे एकनाथराव शिंदे देवेंद्र फडणवीस आणि आम्ही सगळेजण करतोय। पुणेकरांची नेहमीच चांगल्या प्रकारची साथ मिळालेली आहे। आज आपण गोरगरिबांना इकॉनॉमी विकास सेक्शनच्या लोकांना स्वस्तात घर हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं, ते स्वप्न साकार करण्याचं काम देशाच्या पंतप्रधानांच्या देखील हे स्वप्न आहे, ते स्वप्न साकार करण्याचं काम एक प्रत्येकाच्या घर आणि डोक्यावर छप्पर एक जगण्याचा आधार देण्याचं काम आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते तुम्हाला तो आधार देण्याचं काम इथं होतंय। माझी एवढीच विनंती आहे की प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते मिळणारं घर कृपा करून विकण्याचा विचार देखील कदापि मनात आणू नका, असा माझ्या आपल्याला सगळ्यांना प्रेमाचा सल्ला आहे, आग्रहाचा सल्ला आहे। अतिशय उत्तम प्रकारचं सुखाचं समृद्धीचं आनंदाचं जीवन तुम्ही जगा, मुलांना चांगले संस्कार करा आणि उद्याचा जबाबदार नागरिक घडवण्याचं काम आज आपण सगळेजण ह्या निमित्ताने करूया। प्रधानमंत्री महोदयांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण सगळेजण इच्छुक आहोत, त्यामुळे अधिक बोलणार नाही। आज लोकमान्य टिळकांची पुण्यतिथी तसंच लोकशाहीर साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठेंची जयंती या दोन्ही महामानवांना मी वंदन करतो। आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांचं आणि आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो। प्रधानमंत्री महोदयांना आत्ताच इथं यायच्या आधी
लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करून गौरव करण्यात आलेला आहे, त्याबद्दल त्यांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो, सर्वांचे आभार मानतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय श्री अजीत पवार जी। इसके बाद मैं अनुरोध करती हूँ महाराष्ट्र राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि कृपया इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। हिंद विश्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। खऱ्या अर्थाने देशाच्या स्वातंत्र्यात ज्यांचा बहुमोल वाटा आहे असे लोकमान्य टिळक यांना देखील मानवंदना अर्पित करतो। आणि नुकतंच ज्यांच्या पुतळ्याचं अनावरण हे रशियामध्ये मॉस्कोमध्ये आम्ही केलं, ते खरे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना देखील मानवंदना अर्पित करतो। आज या अतिशय सुंदर कार्यक्रमामध्ये आपल्यामध्ये उपस्थित जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते, देशगौरव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, आपले लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, मंचावर उपस्थित माननीय चंद्रकांत दादा पाटील, दिलीपराव वळसे पाटील, नीलमताई गोरे, चंद्रशेखरजी बावनकुळे, समोर उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय खासदार, आमदार, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि पुण्यातील सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ माता भगिनी आणि बंधूंनो, आज आपल्या सर्वांकरता हा अतिशय गौरवाचा दिवस आहे की पुणे मेट्रोचा एक नवीन टप्पा आपण आज सुरू करतो आहोत। आणि ज्या माननीय मोदीजींच्या हस्तेच या पुण्याच्या मेट्रोचं आपण भूमिपूजन केलं, पहिल्या टप्प्याचं अनावरण केलं, दुसऱ्या टप्प्याचीही सुरुवात आणि उद्घाटन हे मोदीजीच या ठिकाणी करतायत, हे देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे। खरं म्हणजे मागच्या टप्प्याच्या उद्घाटनाला मीही होतो, शिंदेसाहेबही होते, अजितदादाही होते, पण तिघांचे रोल वेगळे होते। मी विरोधी पक्ष नेता होतो, अजितदादा उपमुख्यमंत्री होते, शिंदेसाहेब नगरविकास मंत्री होते, पण आता मात्र पुण्याच्या स्वप्नांना गती देण्याकरता आणि महाराष्ट्राला वेगळ्या उंचीवर नेण्याकरता मुख्यमंत्री शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आम्ही सगळे या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत। आणि मला विश्वास आहे महाराष्ट्रातलं एक उत्तम शहर पुणे आहेच, देशातलंही एक उत्तम शहर आहे, पण माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात ते सर्वोत्तम आम्ही करून दाखवू हा मला विश्वास आहे। आज ही जी मेट्रो आहे याचं महत्त्व हे आहे की दोन लाईन आता क्रॉस होत आहेत आणि त्यामुळे एका भागातनं दुसऱ्या भागामध्ये जाण्याकरता विशेष मदत या क्रॉसिंगमुळे होणार आहे। आणि या मेट्रोमध्ये एक एक स्टेशन जे तयार झालं आहे हा स्थापत्याचा एक एक नमुना आहे। आणि मला विश्वास आहे की जेव्हा वाढीव टप्प्याचं काम देखील पूर्ण होईल त्यावेळी खऱ्या अर्थानं पुण्यामध्ये ट्रॅफिकची समस्या त्या ठिकाणी सोडवण्याचं काम आपण करू शकू। त्यासोबत PMPL मध्ये मागच्या काळात आपण निर्णय घेऊन मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक बसेस घेतल्या, आज देशातली सगळ्यात मोठी इलेक्ट्रिक बसेसची फ्लीट ही पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या PMPL मध्ये आहे। आणि माननीय प्रधानमंत्री मोदयांचं जे स्वप्न आहे की आम्ही कुठलंही प्रदूषण न करणारं पब्लिक ट्रान्सपोर्ट दिलं पाहिजे, ते पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सगळ्यात पहिल्यांदा पुणे शहरामध्ये होत आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे।
एक अजून महत्त्वाचा कार्यक्रम आज या ठिकाणी होतोय आणि तो म्हणजे पिंपरी चिंचवडचं या ठिकाणी वेस्ट टू एनर्जी ही फॅसिलिटी 2018 साली याची आपण सुरुवात केली। प्रधानमंत्री जी आप हमेशा कहते हैं कि एक सर्क्युलर इकोनॉमी होनी चाहिए, उस सर्क्युलर इकोनॉमी का सबसे बड़ा मॉडल ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जहां पर वेस्ट टू एनर्जी तो तैयार होगा ही, पर इस प्लांट को चलाने के लिए जो ऊर्जा है वो भी अपारंपरिक है और इसको जो पानी मिलने वाला है वो भी एसटीपी से जो पानी शुद्ध हो रहा है, मेले का पानी शुद्ध करके उस पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपके सपने में जो एक सर्कुलर इकोनॉमी की बात आप कहते हैं उसको भी पूरा करने का काम यहाँ पर हो रहा है। आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने 12,000 घरं, काही घरांचं हस्तांतरण होणार आहे, काहींचं भूमिपूजन होणार आहे आणि मला विश्वास आहे की येत्या काळामध्ये माननीय प्रधानमंत्र्यांचं जे स्वप्न आहे या देशामध्ये एकही बेघर राहणार नाही, ते स्वप्न पूर्ण करण्याकरता पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, PMRDA निश्चितपणे कार्य करेल, हा विश्वास मी व्यक्त करतो। आज या निमित्ताने एवढंच सांगू इच्छितो की पुणे ही आमची औद्योगिक नगरी आहे, पुणे ही आमची IT ची नगरी आहे, पुणे हे आमचं या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने स्टार्टअप कॅपिटल आहे आणि येत्या काळामध्ये पुण्याला निश्चितपणे एक नवीन रिंग रोड देखील आम्ही देणार आहोत, पुण्याला आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात एक नवीन एअरपोर्ट देखील आम्ही देणार आहोत आणि खऱ्या अर्थाने पुणे हे जशी विद्येची नगरी आहे, ही जशी उद्योगाची नगरी आहे, तशी ती स्वप्नपूर्तीची नगरी होईल, हा विश्वास मी या ठिकाणी व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या वतीनं माननीय प्रधानमंत्री महोदयांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आपलं बोलणं समाप्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हार्दिक आभार माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी। अब इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को। विद्येचं माहेरघर आणि सांस्कृतिक राजधानीमध्ये देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो आणि आजच्या या विविध विकास कामांच्या लोकार्पण भूमिपूजन प्रसंगी उपस्थित राज्याचे महामहिम राज्यपाल रमेश बैज जी, राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आपले दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, उपसभापती नीलमताई आहेत, चंद्रकांत दादा आहेत, दिलीप वळसे पाटील आहेत आणि चंद्रशेखर बावनकुळे जी आहेत, मी सर्वांना आणि सर्व खासदार आमदार आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित पुणेकर बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, मी आज सर्वप्रथम लोकमान्य टिळक यांची पुण्यतिथी आहे आणि साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती आहे, मी दोघांनाही विनम्र अभिवादन करतो, वंदन करतो। आणि आताच लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार गौरव आपल्या आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना मिळाला, त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे लोकमान्यांच्या कल्पकतेला, त्यांच्या कल्पनेतला सामर्थ्यशाली देश घडविण्यासाठी मोदीजी जे प्रयत्न करतायत, या प्रयत्नांना या पुरस्कारामुळे आणखी बळ मिळेल अशा प्रकारच्या
अपेक्षाही व्यक्त करतो आणि शुभेच्छा व्यक्त करतो। खरं म्हणजे पुणे शहर, पुणे जिल्हा आहे एक ऐतिहासिक नगरी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे आणि अशा या ऐतिहासिक भूमीमध्ये आज आदरणीय मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते आज मेट्रोच्या प्रकल्पाचा शुभारंभ होत आहे, वेस्ट टू एनर्जी होत आहे, अनेक प्रकल्पांचं या ठिकाणी लोकार्पण भूमिपूजन आपण करतो आहे। खरं म्हणजे मुंबईमध्ये देखील मेट्रो 2 आणि मेट्रो 7चं लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी केलं आणि लाखो लोकांना, लाखो प्रवाशांना आज मुंबईकरांना देखील दिलासा मिळतोय आणि तसा दिलासा या पुणेकरांना देखील मिळाल्याशिवाय राहणार नाही। अशा प्रकारचे हे प्रकल्प, जसं देवेंद्रजी म्हणाले की रिंग रोड देखील आपण करतोय, या पुणे शहरामध्ये जे जे काही विकास प्रकल्प आहेत याला चालना देण्याचं काम आपण या ठिकाणी करतो आहोत। आणि मी या ठिकाणी एवढंच सांगेन की गेल्या 9 महिन्यामध्ये आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय आपल्याकडे जवळपास 4 वेळा आले आणि 4 वेळा आल्यानंतर त्याने विविध प्रकल्पांचं लोकार्पण केलं, भूमिपूजन केलं आणि ते जेव्हा जेव्हा येतात तेव्हा तेव्हा आपल्या सगळ्यांना एक ऊर्जा मिळते, प्रेरणा मिळते आणि काम करण्याचं बळ मिळतं। आणि म्हणून आज आपण पाहतोय की गेल्या वर्षभरामध्ये आपल्या सरकारने, महायुती सरकारने केलेलं काम आपल्या समोर आहे आणि सरकार स्थापन झाल्यानंतर वर्षभरामध्ये आपल्याला केंद्र सरकारने जे काय पाठबळ दिलं, मदत केली, त्यामुळे आपलं हे राज्य सर्वांगीण विकासाकडे जात आहे। हे खऱ्या अर्थाने डबल इंजिनचं सरकार आहे। डबल इंजिनचं सरकार या ठिकाणी काम करत होतं। अजितदादा आले, अजितदादा म्हणाले या देशाचं समर्थ नेतृत्व आदरणीय मोदी साहेब या देशाला पुढे नेऊ शकतात आणि या राज्याच्या विकासाला आपण साथ देण्यासाठी तिसरं इंजिन जोडलेलं आहे। आणि म्हणून आज मी एवढंच सांगतो, जेव्हा राज्यात आणि देशामध्ये समविचारी सरकार असतं त्यावेळेस कामं, विकास प्रकल्प यांना आपण चालना देऊ शकतो, त्यांना आपण पुढे नेऊ शकतो। आणि म्हणून आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी आजपर्यंत या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला, मग त्यामध्ये शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, माता भगिनी, विद्यार्थी, तरुण, सगळ्यांना या सर्व समावेशक असा विकासाचा प्रकल्प, विकासाचा जे काही यज्ञ आहे, रथ आहे, तो पुढे नेण्याचं काम आदरणीय मोदी साहेब करतायत। आणि म्हणूनच या आपल्या आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांचं कौतुक फक्त देशात नाही तर जगभरामध्ये सगळे लोक करतायत। मी त्याच्या खुलाशामध्ये जात नाही, परंतु आपण पाहतोय की मग अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतील, अनेक देशाचे प्रमुख असतील, ह्या सगळ्यांनी आपल्या भारताला आणि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना लोकप्रियतेमध्ये नंबर 1चं स्थान दिलेलं आहे। जय श्रीराम आपण म्हणताय, हे स्वप्न, अयोध्याचं राम मंदिर स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम देखील आदरणीय मोदी साहेबांनी केलेलं आहे। काश्मीर मधले 370 कलम हटवण्याचं काम देखील मोदी साहेबांनी केलेलं आहे। आणि म्हणून सर्वसामान्य गोर गरिबांच्या कल्याणासाठी आदरणीय मोदी साहेब या देशाला पुढे नेत आहेत। आणि म्हणूनच हा देश, आपला भारत देश, जगभरामध्ये आज आपल्या भारत देशाचं नाव सन्मानाने घेतलं जातंय। आणि म्हणून आज त्यांचं जे स्वप्न आहे $5 trillion, त्यामध्ये देखील महाराष्ट्राचे $1 trillion आपली जबाबदारी आहे, ती आपण देखील पूर्ण करण्याची अपेक्षा आपल्या सगळ्यांकडून आहे। आणि म्हणून आपण घर देतोय सर्वसामान्य लोकांना, सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्यामध्ये, जीवनामध्ये बदल घडवण्यासाठी अनेक प्रकल्प आणतोय
अनेक योजना देश पातळीवर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी सुरू केल्या त्यामध्ये मी जात नाही, परंतु जे 50-60 वर्षात झालं नाही ते 9 वर्षामध्ये या ठिकाणी आपण झालेलं पाहतोय। आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो, मी मुख्यमंत्री म्हणून मला संधी मिळाली आपली सेवा करण्याची। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी आहेत, उपमुख्यमंत्री अजित दादा आहेत, आम्ही तिघही आपल्या राज्यासाठी जे जे काही केंद्राकडून, केंद्र हे आपलं मायबाप सरकार आहे, आणि जे जे काही मागायचं आहे ते अतिशय नम्रतेने मागत असतो आणि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय सडळ हस्ते आपल्याला देत असतात। आम्ही कधी अहंकार, आम्ही इगो कधी आणला नाही, आणि म्हणून ते कडक सिंग म्हणणार नाही, पण अडक सिंगचं सरकार जे 2.5 वर्ष होतं त्यामध्ये आपण पाहिलं की जर हे राज्य हे आपण निर्णय घेतला नसता तर 10-15-20 वर्ष आपलं राज्य मागे गेलं असतं। आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। आपल्या आशीर्वादाने आज केंद्र सरकारच्या आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या शुभेच्छांमुळे, त्यांच्या पाठबळामुळे आपण राज्याला पुढे नेतोय, राज्याचा सर्वांगीण विकास करतोय, आणि या ठिकाणी आपला भारत देश देखील एक नवीन इतिहास घडवतोय। आज खऱ्या अर्थाने आपल्या सगळ्यांसाठी आनंदाचा दिवस आहे। या छत्रपती शिवप्रभूंच्या पावन भूमीमध्ये लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना मिळालेला आहे। मी पुन्हा एकदा राज्याच्या 12.5 कोटी जनतेच्या वतीने त्यांना मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए अब हम पुणे मेट्रो के विस्तारित मार्गों के लोकार्पण की ओर चलते हैं। पुणे मेट्रो के 2 विस्तारित मार्ग हैं, सिविल कोर्ट से फुगेवाड़ी एवं गरवारे कॉलेज से रूबी हॉल क्लिनिक। आइए इन 2 मार्गों की विशेषताओं पर आधारित एक लघु चलचित्र हम देखते हैं। आधुनिक शहरी परिवहन के क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण ने देशवासियों की यात्रा को सुगम, सरल और सुखद बनाया है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का ही परिचालन 5 शहरों में किया जा रहा था, वहीं आज देश के 20 शहरों में 872 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क खड़ा हो चुका है। यही नहीं, आज 990 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में भूमि पूजन के साथ पुणे मेट्रो की आधारशिला रखी गई और 2022 में प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले सेक्शन का उद्घाटन किया गया। आज फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन का सेक्शन संचालन के लिए तैयार है। पुणे मेट्रो के स्टेशनों को खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है और कुछ स्टेशनों के डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों और सैनिकों की पगड़ी से प्रेरित है। साथ ही पुराने पुणे शहर की वाड़ा संस्कृति को भी दर्शाया गया है। पुणे रेलवे स्टेशन और शिवाजी नगर स्टेशन को भारतीय रेलवे के साथ जोड़ा गया है। सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन दोनों लाइनों के लिए एक इंटरचेंज स्टेशन है, जो सबसे गहरे मेट्रो स्टेशनों में से एक है। पुणे मेट्रो शहर के महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। पुणे मेट्रो से 65 लाख से अधिक पुणे वासियों के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा है, जिससे विभिन्न स्थानों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने, यात्रा के समय में बचत करने
प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, रोजगार में वृद्धि और शहरी आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। पुणे मेट्रो ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सोलर पावर सिस्टम लगाया है। मेक इन इंडिया के तहत आज देश में ही कोचेस का निर्माण भी किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में समग्र, सतत तथा संतुलित विकास को बढ़ावा देते हुए आज पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में फैले मेट्रो कॉरिडोर के लक्ष्य को पूरा करते हुए मेट्रो नेटवर्क का ये दूसरा सेक्शन पुणे वासियों को समर्पित है। और अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया पुणे मेट्रो के विस्तारित मार्ग फलक का बटन दबाकर अनावरण करें। सिविल कोर्ट स्थानक एवं रूबी हॉल क्लिनिक स्थानक पर दो मेट्रो रेल सज्ज हैं, जिन्हें हम वीडियो में देख सकते हैं। इस मार्ग पर प्रथम मेट्रो सेवा की शुरुआत करने हेतु मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि हरी झंडे दिखाकर मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करें। इस नवीन संकल्पना का स्वागत करते हैं। हार्दिक धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री आवास योजना पुणे महानगर पालिका, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका एवं पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के अपशिष्ट या कचरे से ऊर्जा निर्मिति परियोजना का फलक अनावरण कर शुभारंभ करें। साथ ही में पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका की प्रधानमंत्री आवास योजना तथा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के अंतर्गत किफायती आवास परियोजना का भूमि पूजन करें और उसके बाद हम इन परियोजनाओं पर आधारित एक लघु चलचित्र देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शुभारंभ करें। वर्षों में हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लोक केंद्रित इंफ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य में अभूतपूर्व विकास हुआ है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उपहार दिया है जो आज तेजी से वास्तविकता का रूप ले रही हैं। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस पर बल दे रहे हैं। संत तुकाराम महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्ति एवं शक्ति का प्रतीक और वर्तमान का सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केंद्र पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा करीब 1989 करोड़ रुपए की लागत से 7 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सदा अग्रसर रहा है। इसी कड़ी में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बना महाराष्ट्र का पहला सबसे बड़ा 14 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का आज लोकार्पण किया जा रहा है। इससे उत्पन्न बिजली पीसीएमसी के एसटीपी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल होगी। प्रतिवर्ष 7 लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इससे कचरे के डंपिंग के लिए भूमि की उपलब्धता पर निर्भरता कम होगी। प्रभावी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ प्रदूषण में कमी आएगी।
बॉयलर में शुद्ध पानी की जगह सीवेज का ट्रीटेड पानी इस्तेमाल होगा। कम लागत पर स्वच्छ और हरित ऊर्जा उपलब्ध होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ विश्वास है कि हर इंसान को सम्मान से जीने का अधिकार है। इसी के लिए 2015 में EWS लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पुणे महानगर पालिका के वडगांव में 1108, खराड़ी में 786, हड़पसर में 764 और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के बोरहाड़ेवाड़ी गांव में 1288 घरों का लोकार्पण। इसके साथ ही पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के डुडूल गांव में 1190 घरों, PMRDA के मोशी सेक्टर 12 में हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत 6452 घरों और 83 दुकानों का आज शिलान्यास किया जा रहा है। यह गृह निर्माण सभी सुविधाओं से लैस होंगे, जैसे बाउंड्री वॉल्स, आंतरिक सड़कें, स्ट्रीट लाइट, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, पावर ट्रांसफार्मर, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्लब हाउस, ओपन स्पेस एवं दुकानें। देश के अमृत काल में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर आर्थिक विकास और प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पुणे ज़िले में नागरिकों को आवास आवंटित किए गए हैं। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि कृपया प्रातिनिधिक रूप में 3 नागरिकों को अपने कर कमलों से घरों की चाबियां प्रदान करें। मैं आमंत्रित करती हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्रीमती ज्योति सचिन देसाई को पुणे महानगर पालिका। इसके बाद आमंत्रित करती हूँ श्रीमती प्रियंका गणपत लांडे जी को पुणे महानगर पालिका। इसके बाद आमंत्रित करती हूँ श्रीमती संगीता पांडुरंग पारथी जी को पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका। हार्दिक आभार आप सभी के प्रति। और इसके बाद देश के अत्यंत गरिमामय व्यक्तित्व, जिनकी जनमानस के प्रति सिर्फ एक ही भावना है कि चिराग ऐसा जलाओ कि बेमिसाल रहे, चिराग ऐसा जलाओ कि बेमिसाल रहे, किसी के घर अंधेरा न हो ख्याल रहे, किसी के घर अंधेरा न हो ख्याल रहे। अत्यंत हर्ष और सम्मान पूर्वक मैं सविनय आमंत्रित करती हूँ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, भाई दिलीप जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, भाइयों और बहनों,
ऑगस्ट महीना हा उत्सव व क्रांतीचा महीना आहे। क्रांतीचा या महिनाच सुरुवातली मला पुन्हा येथे येण्याचे सौभाग्य मिळाले। वाकई पुणे का भारत की आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पुणे ने बाल गंगाधर तिलक जी समेत अनेक क्रांतिवीर स्वतंत्रता सेनानी देश को दिए। आज ही लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे की जयंती भी है। ये हम सब के लिए बहुत ही खास दिन है। अन्ना भाऊ साठे महान समाज सुधारक थे। बाबा साहब आंबेडकर के विचारों से प्रभावित थे। आज भी बड़ी संख्या में छात्र और विद्वान उनके साहित्य पर शोध करते हैं। अन्ना भाऊ साठे के कार्य, उनका आह्वान आज भी हम सबको प्रेरित करता है। साथियों, पुणे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने, देश भर के युवाओं के सपनों को पूरे करने वाला एक जीवंत शहर है। आज जो प्रोजेक्ट पुणे और पिंपरी चिंचवड़ को मिले हैं, उससे ये भूमिका और सशक्त होने वाली है। अभी यहां करीब 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। हजारों परिवारों को पक्के घर मिले। वेस्ट से वेल्थ बनाने का, कचरे से कंचन बनाने का आधुनिक प्लांट मिला है। इन परियोजनाओं के लिए मैं सभी पुणेवासियों को, यहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार शहरों में रहने वाले, विशेष करके मध्यम वर्ग की, प्रोफेशनल्स की, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर बहुत गंभीर है। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती है तो उस शहर का विकास भी और तेजी से होता है। पुणे जैसे हमारे शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यहां आने से पहले पुणे मेट्रो के एक और सेक्शन का लोकार्पण हुआ है। मुझे याद है जब पुणे मेट्रो के लिए काम शुरू हुआ था तो मुझे इसके शिलान्यास का अवसर मिला था और देवेंद्र जी ने बड़े मजेदार ढंग से उसका वर्णन भी किया। इन 5 वर्षों में यहां लगभग 24 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क शुरू हो चुका है। साथियों, हमें भारत के शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर अच्छा बने और उसे अगर हमें नई ऊंचाई देनी है तो हमें
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना ही होगा और इसीलिए ही आज भारत के शहरों में लगातार मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, नए नए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, रेड लाइट्स की संख्या कम करने पर बल दिया जा रहा है। साल 2014 तक भारत में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो नेटवर्क था, इसमें से भी अधिकतर दिल्ली एनसीआर में था। अब देश में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 800 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 1000 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन के लिए काम भी चल रहा है। 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क था, आज देश के 20 शहरों में मेट्रो नेटवर्क संचालित है। महाराष्ट्र में ही पुणे के अलावा मुंबई और नागपुर में भी मेट्रो का विस्तार हो रहा है। ये मेट्रो नेटवर्क आधुनिक भारत के शहरों की नई लाइफलाइन बनती जा रही है। पुणे जैसे शहर में पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए मेट्रो का विस्तार बहुत जरूरी है। इसलिए भी हमारी सरकार मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। भाइयों और बहनों, क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने का एक अहम फैक्टर शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था भी है। एक समय था जब विकसित देशों के शहरों को देखकर कहा जाता था, वाह कितना साफ शहर है। अब हम भारत के शहरों को भी उसी तरह से समाधान दे रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ टॉयलेट्स के निर्माण तक सीमित नहीं है। इस अभियान में वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। हमारे शहरों में बड़े बड़े कचरे के पहाड़ बहुत बड़ी समस्या बन गए। आप भी जानते हैं कि पुणे में जहां मेट्रो का डिपो बना है, वो पहले कोथरूड कचरा डंपिंग यार्ड से जाना जाता था, अब ऐसे कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है और हम कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र पर काम कर रहे हैं। पिंपरी चिंचवड़ का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसमें कचरे से बिजली बन रही है, यहां जो बिजली पैदा होगी उससे निगम अपनी जरूरत भी पूरी कर पाएगा, यानी प्रदूषण की समस्या भी नहीं रहेगी और नगर निगम को बचत भी होगी। साथियों, आजादी के बाद से ही महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास ने भारत के औद्योगिक विकास को निरंतर गति दी है। महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को और बढ़ाने के लिए यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण उतना ही जरूरी है। इसलिए आज हमारी सरकार महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रही है वो अभूतपूर्व है। आज यहां बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, नए नए रेलवे रूट,
नए नए एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे के विकास के लिए यहां 2014 से पहले की तुलना में 12 गुना अधिक खर्च किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों को आसपास के राज्यों के इकोनॉमिक हब से भी जोड़ा जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल से गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को फायदा होगा। दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों से जोड़ेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये महाराष्ट्र और उत्तर भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी भी बिल्कुल बदल जाएगी। महाराष्ट्र को तेलंगाना छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से जोड़ने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क बिछाया गया है उससे भी महाराष्ट्र के उद्योगों को नई गति मिलने वाली है। ऑयल और गैस पाइपलाइन हो, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो, सैंद्र बिड़किन इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का सामर्थ्य रखते हैं। साथियों, हमारी सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र को लेकर चल रही है। जब महाराष्ट्र का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, और जब भारत का विकास होगा तो उसका उतना ही लाभ महाराष्ट्र को भी मिलेगा। आजकल जगभरात लोग भारताच्या विकासाची चर्चा करीत आहेत। इस विकास का लाभ महाराष्ट्र को भी हो रहा है, पुणे को भी हो रहा है। आप देख रहे हैं, बीते 9 वर्षों में भारत ने इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया में नई पहचान बनाई है। 9 वर्ष पहले तक भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप्स होते थे, आज हम 1,00,000 स्टार्टअप्स को पार कर गए हैं। ये स्टार्टअप, ये इकोसिस्टम इसलिए इतना फल फूला रहा है क्योंकि हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया है, और भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव बनाने में पुणे की बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका रही है। सस्ते डेटा, सस्ते फोन और गांव गांव पहुंची इंटरनेट सुविधा ने इस सेक्टर को मजबूती दी है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से 5G सर्विस रोल आउट करने वाले देशों में से एक है। आज देश में फिनटेक हो, बायोटेक हो, एग्रीटेक हो, हर सेक्टर में हमारे युवा कमाल कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ पुणे को हो रहा है। साथियों, एक तरफ महाराष्ट्र में हम चौतरफा विकास होते देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य कर्नाटका में जो हो रहा है वो भी हमारे सामने है। बेंगलुरु इतना बड़ा आईटी हब है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटर है। ये जरूरी था कि इस समय बेंगलुरु का, कर्नाटका का तेजी से विकास हो, लेकिन वहां जिस प्रकार की घोषणाएं करके
सरकार बनाई गई उसके दुष्परिणाम इतने कम समय में आज पूरा देश देख रहा है और चिंता अनुभव कर रहा है। जब कोई पार्टी अपने निहित स्वार्थों के लिए सरकार की तिजोरी खाली करती है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा राज्य के लोगों को होता है। हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाता है। इससे उस पार्टी की सरकार तो बन जाती है लेकिन लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। हाल ये है कि कर्नाटका सरकार खुद मान रही है कि उसके पास बेंगलुरु के विकास के लिए, कर्नाटका के विकास के लिए तिजोरी खाली है, पैसे ही नहीं है। भाइयों, ये देश के लिए बहुत चिंताजनक है। यही स्थिति राजस्थान में भी हम देख रहे हैं। वहां भी कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, विकास के काम ठप पड़े हैं। साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए नीति, नियत और निष्ठा उतनी ही जरूरी है। सरकार को, सिस्टम को चलाने वालों की नीति, नियत और निष्ठा ही तय करती है कि विकास होगा या नहीं होगा। अब जैसे गरीबों को पक्का घर देने की योजना है, 2014 से पहले जो सरकार थी उसने शहरों में गरीबों को घर देने के लिए 10 सालों में दो योजनाएं चलाई। इन दो योजनाओं के तहत 10 साल में देश भर के शहरी गरीबों के लिए सिर्फ 8 लाख घर बने। लेकिन इन घर की हालत इतनी बुरी थी कि ज्यादातर गरीबों ने इन घरों को लेने से ही इनकार कर दिया। अब आप कल्पना करिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी उस घर लेने से इनकार कर देगा तो वो घर कितना बुरा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। देश में यूपीए के समय बने हुए 2 लाख से अधिक घर ऐसे थे जिनको लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। हमारे यहां महाराष्ट्र में भी उस समय बने हुए 50,000 से अधिक घर ऐसे ही खाली पड़े थे। रुपया की बर्बादी है, लोगों की मुसीबतों की चिंता नहीं। भाइयों और बहनों, 2014 में आप सबने हमें सेवा करने का मौका दिया। सरकार में आने के बाद हमने सही नीयत से काम शुरू किया और नीति भी बदली। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने गांव और शहरों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए, 4 करोड़। इसमें भी शहरी गरीबों के लिए 75 लाख से अधिक घर बनाए गए हैं। हम इन नए घरों के निर्माण में पारदर्शिता भी लाए हैं और इनकी क्वालिटी भी सुधारी है। हमारी सरकार ने एक और बड़ा काम किया है, जो घर सरकार गरीबों को बनाकर दे रही है उसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर किए जा रहे हैं। इन घरों की कीमत कई कई लाख रुपए है, यानी बीते 9 वर्षों में देश में करोड़ों बहनें ऐसी हैं जो लखपति बनी हैं, मेरी लखपति दीदी बन गई है। उनके नाम पर पहली बार
कोई संपत्ति रजिस्टर हुई है। आज भी जिन भाइयों और बहनों को अपने घर मिले हैं उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और इस बार का गणेशोत्सव तो उनके लिए बड़ा शानदार होने वाला है। भाइयों और बहनों, गरीब हो या मिडिल क्लास परिवार, हर सपने को पूरा करना ही मोदी की गारंटी है। एक सपना जब पूरा होता है तो सफलता की कोख से सैकड़ों नए संकल्प जन्म लेते हैं। यही संकल्प उस व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। हमें आपके बच्चों, आपकी वर्तमान और आपकी भावी पीढ़ियों की चिंता है। साथियों, सत्ता येते आणि जाते, समाज आणि देश तैथेज राहतो। इसलिए हमारा प्रयास आपके आज के साथ साथ आपके कल को बेहतर बनाने का भी है। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प इसी भावना का प्रकटीकरण है। इसके लिए हम सभी को मिलकर एक साथ काम करना होगा। यहां महाराष्ट्र में इतने अलग अलग दल एक साथ इसी ध्येय के साथ आए हैं। लक्ष्य यही है कि सबकी भागीदारी से महाराष्ट्र के लिए और बेहतर काम हो सके, महाराष्ट्र तेज गति से विकास करे। महाराष्ट्र ने हम सभी को हमेशा बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा, इसी कामना के साथ फिर से विकास परियोजनाओं की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।